मैं आज जा रहा हूँ काकचिंग, भाई मैं काकचिंग चली और काकचिंग यहाँ से 50 किलोमीटर एबाव है। और मुझे जो मणिपुर में जो घुमा रहा था यही है। रोड तो एकदम फास्ट क्लास है, एकदम बढ़िया रोड है। मणिपुर का जो रोड है ना, पहले ऐसा नहीं था, ये फिलहाल अभी अभी बनाया गया है। इसलिए मुझे खड़ा दी हफ्ते देखो जी काकचिंग गार्डन चल ली तो। काकचिंग जो गार्डन है मणिपुर का, ये इस पहाड़ के ऊपर आप जो देख रहे हो ना, इस पहाड़ के ऊपर है ये गार्डन। ये है काकचिंग गार्डन, यहाँ से इसका एंट्रेंस है और हम लोग यहाँ से अभी जाएंगे, टिकट लेना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे एक टिकट कितना है पता नहीं है, टिकट मैं देख रहा हूँ। व्हीकल पार्किंग भी फ्री हो जाए वैसा हमारा मी एम आई टिकट से क्या पीछे आपको यहाँ पे टिकट के लिए आपको एक आदमी के लिए 50 रुपीज़ लगता है और कैमरा के लिए भी चार्ज नहीं है कोई, एकदम फ्री है कैमरा के लिए। इस पहाड़ के ऊपर एक गार्डन, काफ़ी ऊंचाई पे ये जो पार्क है। काकचिंग पार्क में आने के बाद आपको फर्स्ट राइट साइड में मणिपुरी लोगों का जो भगवान है उनका आपको दर्शन मिलेगा। ये जो भगवान है ये इपुथौ पाखंगबा कहा जाता है, ये मणिपुरी का ओरिजिनल भगवान है। ये मैत्री की शिशु लाए नी फमिंग से हवाई माँ संपूर्वी का हुई। मणिपुर का जो काकचिंग और एक वांगजिंग थोड़ा एक दो जगह आता है, इसका जो व्यू है यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। मणिपुर जो है ना, ये 9 पहाड़ों का बीच में बसा हुआ है मणिपुर, तो आप जिधर भी आप देखोगे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएगा। ये जो गार्डन है ये मणिपुर में गार्डनों में से टॉप कहा जाता है ये, और मणिपुर में जो लोग आते हैं ना यहाँ पे तो ये गार्डन देखने के लिए सभी लोग आते हैं। अभी एक्चुअली फ्लावर का टाइम नहीं है और 1 महीना या 1.5 महीना बाकी है, तो फिर भी यार खूबसूरत है। इतना सारा तो अभी फ्लावर नहीं है लेकिन जो भी है ठीक ठाक ही है, अच्छा है। ये हर मणिपुर में आने वाला लोग यहाँ पे आता है, बंगाली लोग, फॉरेनर, सब लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए काकचिंग पार्क। ये रेस्टोरेंट है, पार्क के ऊपर ही एक रेस्टोरेंट पास में है, देखिए खूबसूरत है। ये सब टॉयलेट है और ये पार्क का दूसरा साइड है। बहुत कुछ देखने का है यार यहाँ पे। 1 महीना अगर डेली अगर घूमो ना फिर भी आप मणिपुर को ठीक से आप जान नहीं पाओगे। इतना कोई भी हम आमले इस थाम को ऐसे को लोबे ना आ रहा है फम नहीं सी मंदिर में ले। यहाँ पे भी एक मंदिर है, पार्क के ऊपर में एक टेम्पल है और इस टेम्पल शिवा का है, शिव जी का टेम्पल है। इस तरफ पलेन है और एक दूसरा एरिया आता है ये पलेन। यहाँ पे खोंगजोम है, काकचिंग है, देखिए कितना पूरा पहाड़ों के बीच में बसा है।
और आप देखिए ये जो पूरा टॉप में एक ऊंचा पहाड़ आ रहा है ना, देखिए मेरे उंगली जहाँ पे है ना इस जगह पे जो वाइट दिखाई दे रहा है जो टॉप है, इसको लांगोल पिक कहा जाता है। इसमें मैं जाऊँगा नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा मैं, ऐसे यहाँ वांग चिंगी काचिंग पार्ट से हम लोग जा रहे हैं अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो पे। सोमवार मेमोरियल का कुछ बातें बताऊंगी आप लोगों को, हिस्टोरिकल मणिपुर के बारे में जो ब्रिटिश और मणिपुरी सोल्जर या मणिपुरी फ्रीडम फाइटर के साथ जो वार हुआ था इसके बारे में